गेमर्स तो कैसे हो आप लोग। इट्स मी क्रिशु एंड यू आर वाचिंग क्रिशु गेमिंग। ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज नंबर 4। तो आज हम यहाँ पे ऐसे मतलब माइनक्राफ्ट मैं खेल ही रहा था तो मेरे सामने एक टर्टल दिखाई दी। जी हाँ गाइस, यही वाला टर्टल मेरे को दिखा। तो मैंने सोचा इस टर्टल को क्या बोलते अपना पेट बना लेते हैं। और टर्टल सैंड में रहते हैं और नदी किनारे रहते हैं, तो ये तो काफ़ी वेस्ट चीज़ है। अक्सर करके टर्टल हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन इस बार मैं इनको अपने पास प्रिजन मतलब कैद करके मीन्स कह सकते हो रखूँगा अपने पास, इनको अपना पेट बना के। और यहाँ पे इनको मैं एग्स वगैरह मिलते हैं इनके, तो काफ़ी सारे चीज़ें आइटम्स बनते हैं टर्टल एग्स से, जैसे हेलमेट वगैरह हो गया मे बी, जिससे कि हम एक्वा मतलब पानी के अंदर रह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो वो पहले करना है, तो यहाँ पर मैं फटाफट चलता हूँ। यहाँ से पहले इसको लेने के लिए मैं एक बोट बनाता हूँ, ताकि बोट में इसको रखे रहूँगा तो ये कहीं भाग नहीं पाएगा। फिर इन समय एक समय अच्छा सा निकाल के इसका एरिया बना लूँगा ढंग से, तो ये यहाँ पर अच्छे से रहने। और अब बात आती है दूसरी पॉइंट की, मेरे पास एक डॉग है जो मैंने पेट बनाया है। तो यहाँ पे मैं रिवील करने वाला हूँ अपने जो मेरा और मतलब मेरा मेन डॉग है जो, तो यहाँ पे उसका भी नाम मैं रिवील करने वाला हूँ। जो मेरा मेन डॉग जो मेरा मतलब मेरे पास पेट है मेरा, वो एक उसका नाम ओरियो है। जी हाँ गाइज, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि ओरियो क्या बोलते हैं सौरभ जोशी के कुत्ते का नाम है। बट सही बताओ तो जब मैंने अपना डॉग लिया था तो मैं सौरभ जोशी को जानता तक नहीं था। जैसे मैंने अपने डॉगी के नाम मेरी दीदी ने ओरियो रखा, तो उसके बाद मैंने 1-1.5 हफ्ते बाद मैंने देखा क्या बोलते हैं कि सौरभ जोशी का ब्लॉग, तो उसका डॉग का भी नाम ओरियो है और सेम डॉग भी है, बट उसका पवेलियन है सौरभ जोशी का और मेरा इंडियन स्प्रिट है, और दोनों की एज भी लगभग लगभग सेम ही है। क्योंकि मैंने जब देखा था तो वो लिया था, उसका भी छोटा ही था और मेरा भी छोटा ही था, आसपास मतलब वही एज लगभग लगभग है। खैर वो तो बात छोड़, यहाँ पे मैं एक मेरे पास नेम टैग है तो उसका नाम ओरियो रखूंगा, अपने पेट का नाम यहाँ पे ओरियो रखने वाला हूँ। तो फटाफट सारी चीज़ें करके मैं मिलता हूँ। ये रहा मेरे सामने मेरा पेट, और फटाफट इसको मैं नेम टैग दे देता हूँ। हाँ यहाँ पे आ गया है और इसका नाम लगा गया, यहाँ पे देख सकते हैं सेम यही डिटो चीज़ हमारे पास भी है। कभी रिवील करूँगा तो उसको देखना। खैर यहाँ से इसका काम तो हो गया, बाकी इधर आते हैं और इस साइड इसको यहाँ पे सीट करा लेते हैं। तो आज अच्छा बता दूँ, आज मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि T3 का टूर्नामेंट्स वगैरह है, तो आज शायद आपको ये वाली वीडियो में भी शायद लेट मिले, या फिर कोशिश रहेगी कि आपको 2 बजे तक मिल जाए। बाकी अगर ना मिल पाए तो 3-3.30 बजे तक आपको 100% श्योर मिल जाएगा। अगर 2 बजे तक मिल जाए समय निकाल लूँगा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज 3 बजे तक आपको 100% ये वीडियो मिल जाने वाली है। और यहाँ पे आप लोग हम एक चीज़ और करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे पिक्स हो गए, काउज हो गई और बाकी सब सिप्स एनिमल्स हो गए, तो उनके लिए कुछ एरिया बनाना है। तो सामने एक देख सकते हैं ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे मैं सिप्स ही रखने वाला हूँ। तो इसमें क्या बोलते हैं जो ये दोनों अलग अलग बान हाउस छोटा वाला है, इसको भी मैं मिला के एक में ही करने वाला हूँ। एक मिनट इसको पहले 1 मिनट, अरे यार ये तो मर गया। खैर इसको छोड़ो, जाओ दूसरा लेके आएंगे, सिर्फ तो यहाँ पे रखेंगे। अब नेक्स्ट काम पहले ये इसको मैं गेट सही कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे बंद कर लेता हूँ, और इसको भी मैं सही कर लेता हूँ और इसको भी बंद कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है ना एक में मिलाने वाला हूँ, जो बगल में जो हमारा एरिया बना हुआ है सिप के लिए, क्या बोलते उसको, सिप नहीं, सिप तो नहीं है, पिग है, तो पिग के लिए। तो वो एरिया यहाँ पे मैं दोनों मैच करा दूंगा, जिसमें पिग और सिप दोनों एक साथ रहेंगे, और काउ का एरिया मैं अलग रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले एक सिप मैंने लेके आकर क्या बोलते हैं पिग रख देता हूँ यार, जो एक मैंने मार देता हूँ। यहाँ पे 2 हो गया, तो इनको मैं ब्रीड करके यहाँ पे इनको 2 बना देता हूँ। पहले इनको ब्रीड कर देते इसी टाइम में, और ये 3 हो जाएंगे इसी किसी टाइम पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे अब काऊ का एरिया भी कवर करने वाले। और ये जो तो 1 मिनट, एक सीप आएगा अभी, हाँ एक सीप आ गया देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको थोड़ी सी आवाज़ इस समय अब ठीक आ रही होगी, बीच में थोड़ा सा डाउन हो गया होगा तो इसके लिए सॉरी। खैर यहाँ पे एक सीप और आ चुका है, इसको मैं खिला देता हूँ। 2 मेरे पास गाजर बचे हुए हैं तो इसको मैं खिला देता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ आपको एक बार काऊ दिखा देता हूँ। देखो ये काऊ है, ये काऊ का एरिया, इसमें काऊ मैंने रख दी है और पहले से भी थी विलेजर्स के, तो इनको भी मैं ब्रीड करा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे जो काउज है ये ब्रीड हो जाएंगी तो और सारे काउज यहाँ पे निकल जाएंगे, तो ये काफ़ी बेटर होने वाला है। तो खैर यहाँ पे ये काम हो गया और इनको भी ब्रीड यहाँ पे फटाफट मैं करा देता हूँ। लो जी यहाँ पे ये भी काम हो जाता है, और इसको मैं जो बोला था कि इसको मैं मिलाने वाला हूँ, तो आपस में इसको मैं फटाफट यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, ताकि ये जो है ये एक बड़ा एरिया बन जाए, एक बड़ा हाउस बन जाए, ताकि ये लोग अच्छे से यहाँ पे रह सके। और सिप भी यहाँ पे रखूंगा तो एक कुछ एरिया हमको यहाँ पे सिंपली बड़ा चाहिए, तो इसको भी यहाँ पे ये बराबर इसको कर लेते हैं। तो इसको मैं फटाफट तोड़ देता हूँ। और हाँ थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा आज मिल रहा होगा, क्योंकि आज मेरी नानी का 1.25 महीना पूरा हो गया एक्सपायर हुए, तो आज उनका फिर से एक बार क्या बोलते कथा वगैरह होता है, तो वो सारी प्रोसेस थी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज मिल रहा होगा। खैर आपको आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलता हूँ आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।